ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों में रुक कर लेते हैं मिर्जापुर की ओर। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कुपोषित बच्चों को लेकर पोषण आहार देने को लेकर जिला पंचायत सभागार में बैठक की गई, जिसमें कुपोषण खत्म करने के लिए जानकारियां दी गई। इस मौके पर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार व नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा, माजवा विधायक सुष्मिता मौर्य समस्त अधिकारीगण मौजूद रहे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योजना ये लाया गया है, माहवारी मनाया जा रहा है, इसकी वजह से घर घर अगर जाकर ये लोगों को देना चालू करेंगे, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये देश से कुपोषण खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो पुष्टाहार दिया जा रहा है, ये खाने के बाद हमारी बहनें खुद भी स्वस्थ होंगी और आने वाला जो भविष्य है वो भी उनका उज्ज्वल भविष्य होगा। क्योंकि जब किसी भी तरह से रोग ही नहीं रहेगा तो अपने आप फर्स्ट रहेंगे। ये अच्छी योजना है जी, बहुत ही अच्छी योजना है, इसीलिए सबको जागृत किया जा रहा है। सहजन का भी देखिए पौधा दिया गया, मैंने दूब का भी बताया, आप सर्च करेंगे तो दूब का कितना बड़ा फायदा होगा ये आपके खुद मालूम होगा। ये मतलब तमाम तरह से हमारी जो बहनें आंगनबाड़ी की जाकर जागृत कर रही हैं कि हरा सब्जी खाइए, मूँगफली का खाइए, गुड़ खाइए और सोयाबीन का, ये सब जो कह रही हैं, इसके द्वारा हमारे आने वाला भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा। देखिए जो सितंबर माह है, इसमें 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है और इसका जो उद्देश्य है, जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं उनका कुपोषण दूर करना है। इसके लिए अभी हमने पहले वजन दिवस मनाया था और वजन दिवस के अंतर्गत अभियान चलाया गया था। उसमें हमने जो अति कुपोषित और कुपोषित बच्चे हैं, जिनको लाल श्रेणी और पीली श्रेणी के बच्चे कहते हैं, उनका चिन्हीकरण किया है और इस माह को मनाते हुए हम उनके कुपोषण को दूर करने का प्रयास करेंगे। और इसमें जैसे जो हमारा पोषण पुनर्वास केंद्र होता है उसमें भी इन बच्चों को भर्ती कराते हैं, बाकी इन बच्चों को कुपोषण दूर करने के लिए पर्याप्त जो पैकेट वगैरह खाने की सामग्री है वो उपलब्ध कराना और आयरन फोलिक एसिड ऐसी दवाएँ उपलब्ध कराना है। तो इसके अंतर्गत जनपद में जितने भी बच्चे लाल और पीली श्रेणी के चिन्हित हैं उन सभी को कुपोषण दूर कराने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें आज एक अन्नप्राशन का कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें बच्चों को अन्नप्राशन कराया जाएगा। और इसके अलावा इसमें हम इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लोग जो घर में आगे उनके खुली ज़मीन होती है उसको पोषण वाटिका लगाएँ, पोषण वाटिका में वो जो सब्जी वगैरह जो लगाएंगे उससे भी कुपोषण दूर होगा। स्वास्थ्य विभाग मूल रूप से और स्वास्थ्य विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग और जो अन्य विभाग है, ग्राम्य विकास विभाग, ये इसके सहयोगी विभाग हैं। इनको जो जो दायित्व सौंपे जाएंगे उन दायित्वों का निर्वहन ये लोग करेंगे।